Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am Urvi and I create content on J, motivation and stuff like that. अगर तुम लोग मुझे Instagram और LinkedIn पे follow करना चाहते हो तो तुम्हें मैं link description में दे दूँगी. तुम लोग वहाँ जाके मुझे follow कर सकते हो और अपने कोई भी doubt तुम मुझे वहाँ पे आराम से पूछ सकते हो. आज हम लोग ये discuss करने वाले हैं कि हमें अपना routine किस तरीके से बनाना चाहिए. और मैं तुम्हें कोई आइडियल रूटीन नहीं बना के देने वाली हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक तरीका बताऊँगी कि तुम किस डायरेक्शन में सोच सकते हो और अपना एक पर्सनलाइज रूटीन बना सकते हो जो कि तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मैं एक रूटीन बना के दे सकती हूँ, लेकिन यार वो रूटीन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, सबके टाइम के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होगा. इसीलिए मैं वो रूटीन बना के नहीं लेने वाली हूँ, वरना वो वीडियो एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है. तो मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बॉडी क्लॉक. बॉडी क्लॉक मतलब हम लोग किस टाइम पे सोते हैं, हम लोग किस टाइम पे उठते हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव किस टाइम पे होते हैं. कुछ बच्चे होंगे जो रात में लेट तक पढ़ते होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते होंगे. तो तुम्हें पहले ये डिसाइड करना है कि तुम लोग कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हो. अगर तुम लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो तुम्हारा रूटीन जो है वो सुबह 4 या फिर 5 बजे मैक्सिमम शुरू हो जाना चाहिए और रात में 10 बजे तक तुम्हारा वो रूटीन चलना चाहिए. अगर तुम लोग रात में देर रात तक पढ़ते हो तो तुम्हें सुबह अराउंड 7:30 उठ जाना है और रात में 12 या फिर 1 बजे तक तुम्हें पढ़ना है, जितने देर तक तुम लोग पढ़ सकते हो. तो ये हो गया तुम्हारा कि तुम्हारा स्पैन होगा, टाइम स्पैन वो कितने से कितने तक होगा, ठीक है. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक दिन में. इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये चीज़ कोरा पे पूछते हैं तो मुझे लगा कि ये मुझे डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे. ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि तुम्हें इतने ही घंटे पढ़ना है. अगर तुम लोग चाहो तुम लोग 10 घंटे पढ़ सकते हो, तुम लोग चाहो तुम लोग 15 घंटे पढ़ सकते हो. बट मिनिमम जो होता है यार वो 9 घंटे होता है, कि तुम्हें 3 घंटे पर सब्जेक्ट तो अलॉट करने ही हैं. तो एनीथिंग मोर देन 9 आवर्स इज़ गुड. तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हारा सिलेबस कितना बचा हुआ है, तुम्हारा रिवीजन कितना बचा हुआ है और उस हिसाब से अपना रूटीन तुम लोग डिज़ाइन करो और उस हिसाब से अपना जो स्टडी आर है वो भी डिसाइड करो, ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रेक्स. हमें ये तो आजकल पता है कि ब्रेक्स लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन बिटवीन आर स्टडी सेशंस, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें उन ब्रेक्स में करना क्या है ना. हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर यूट्यूब चलाने लगते हैं. बट उससे बेटर क्या होगा ना कि अगर तुम लोग एक राउंड मार के आओ जो अपने घर का, या फिर कोई लाइट एक्सरसाइज कर लो उस ब्रेक टाइम के बीच में. क्योंकि अगर तुम लोग इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चलाने बैठोगे तो अगर तुम्हारा ब्रेक 5 मिनट का है तो वो चीज़ 1 घंटे में कब बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलने वाला. तो इसीलिए बेटर होगा कि तुम लोग फ़ोन यूज़ ना करो अपने ब्रेक टाइम में. कभी कभी तुम लोग कॉमेडी वीडियोस देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज़ अगर तुम लोग शाम के टाइम में करो तो बेटर होता है. जो टाइम स्लॉट तुम्हारा लंच से पहले का है उसमें ये चीज़ इंश्योर करो कि तुम लोग अपने ब्रेक टाइम में फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो. फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है हमारी एफिशिएंसी. अब कई बच्चे होंगे जो कि दिन में 9-10 घंटे पढ़ते होंगे, लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो उससे आधी होगी या फिर उससे आधी से कम होगी. देखो, मशीन की भी एफिशिएंसी 100% तो नहीं होती है, तो फिर ह्यूमंस की भी नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग मैक्सिमम तो उसे कर सकते हैं. तो उसे मैक्सिमम करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, सुबह उठ के 5 to 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो और जब तुम लोग पढ़ने बैठो, जब तुम्हारा जो स्टडी सेशन है वो शुरू होने वाला हो तो उससे पहले 5 मिनट तक आँखें बंद करके अपने थर्ड आई पे फोकस कर सकते हो. उससे तुम्हारा जो फोकस है, जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो इन्हांस होगा. और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है हमारा फिज़िकल एक्टिविटी. ज़रूरी नहीं है कि जिम जाके वर्कआउट ही करना है तुम्हें, बट अगर तुम लोग एक 20 या फिर 30 मिनट्स की वॉक अपने रूटीन में इंक्लूड करो तो वो तुम्हें हेल्प करेगी पूरा दिन फ्रेश फील कराने में. तो इसलिए ये चीज़ इंश्योर करना कि तुम ये चीज़ अपने रूटीन में इंक्लूड कर रहे हो. और यही कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो तुम्हें अपने रूटीन बनाने के टाइम अपने दिमाग में रखने हैं. इसी हिसाब से अपना रूटीन तुम बनाना. और अगर कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो और मैं तुम्हें वहाँ पे आंसर कर दूँगी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. टिल नेक्स्ट, बाय बाय.